टॉपिक क्या है आज का, आज का टॉपिक आपको बेटा जो चैप्टर में यहां से क्वेश्चन आपके या तैयारी है बेटा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट एप्लीकेशन भी आएंगे बेटा इसकी। तो लाइट का डिस्पर्सन क्या होता है ये आपने 9th-10th में पढ़ते आए हो कि जब एक लाइट जो है वो कहां से पास होगी पास थ्रू ए प्रिज्म, व्हाइट लाइट जब भी पास होगी बेटा किसी में प्रिज्म में से, तो दैट विल बी स्प्लिट इनटू 7 कलर और अलग अलग कलर है ना, अलग अलग रंग उससे निकल जाएगा क्योंकि ये टॉपिक हम कर चुके हैं। एंगल ऑफ डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड था बेटा, म्यू के ऊपर डिपेंड था, और म्यू किसके साथ चेंज होता है वेवलेंथ के साथ। एक्चुअली में डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब है, ये मतलब है चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद चेंज इन वेवलेंथ, चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद चेंज इन वेवलेंथ दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। लेकिन जनरल डेफिनेशन थी जो 9th-10th में पढ़ते हैं आप कि भाई कि जब लाइट व्हाइट लाइट पास होती है एक प्रिज्म से तो 7 भाग में डिवाइड होती है। आज हम यही सीखेंगे, डेफिनेशन तो सिंपल है बेटा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब फिनोमिना है, क्या होना एक व्हाइट लाइट का किसमें डिवाइड हो जाना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि व्हाइट किस तरह बनी है 7 है, व्हाइट किस तरह बनी है बच्चों 7 से बनी है। यदि 7 तो कलर को आप एक जगह मिक्स कर दोगे ना क्या बन जाएगा, व्हाइट बनेगा, समझिए। तो व्हाइट लाइट किसमें डिवाइड हो जाएगी अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, कितने कंपोनेंट है 7 कंपोनेंट है, जब कब जब उसको किसमें पास करोगे एक प्रिज्म से पास करोगे, तो व्हेन ए लाइट रे पास थ्रू ए प्रिज्म इट विल स्प्लिट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर, क्योंकि व्हाइट किसने बनाया बच्चों 7 ने बनाया। तो अब ये डेफिनेशन लिखने के बाद बेटा क्या डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ क्या है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ए व्हाइट बीम ऑफ लाइट, भाई व्हाइट बीम ऑफ लाइट का स्प्लिट हो जाना किसमें बेटा 7 कलर में इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू अ प्रिज्म, जब प्रिज्म से गुजारी जाती है। तो ये बेटा हम अभी करेंगे कैसे क्यों होता है ये, क्या कारण है लाइट रे साथ, ये रीजन क्या बच्चों, देखिए क्या है सबसे पहले ये आप कर चुके हो कि ये जो प्रिज्म था बेटा ये सब बच्चे पढ़ चुके हैं बेटा, ये प्रिज्म और इसमें से जब ए बी सी जब एक व्हाइट बीम कंडीशन है बेटा व्हाइट बीम, तो व्हाइट बीम जो है बेटा ये इंसिडेंट कर रही है दैट इज द व्हाइट बीम, दैट इज द व्हाइट बीम ऑफ लाइट, ये व्हाइट बीम है बेटा, तो ये जो व्हाइट बीम है दैट इंसिडेंट एट पॉइंट एल, तो यहां रिफ्लेक्शन होगी तो यहां पर डिवाइड होगी। कई बार हम क्या करते हैं हमें बेटा यहां पर दिखा देना अलग अलग नो यहां से, क्योंकि दिस क्यों है रिफ्लेक्शन यहां है क्योंकि इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स कितना बेटा म्यू है, तो ये जो म्यू है अलग अलग कलर के लिए, क्योंकि व्हाइट का कितने कलर है 7, अलग अलग कलर के लिए क्यों चाहिए अलग अलग हो जाएगा, तो यदि ये अलग अलग हो गया तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग, क्योंकि हमने पता बेटा कि डेविएशन क्या था बेटा म्यू माइनस 1 इंटू ए, प्रिज्म के लिए ये तो कांस्टेंट हो गया, तो मैंने कहा था कि जो डेल है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, और सबसे पहले कौन था बेटा एक कोचिस फार्मूला है, कोचिस थे साइंटिस्ट कोचिस था बेटा, ये देखिए कोचिस क्या बोलता है ये कि किसी भी मेटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा की पावर 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन, ये देखो ध्यान से म्यू किसके है
वन बाय लैम्डा स्क्वायर की है भाई। न्यू किसके कारण, देखो लैम्डा बेटा अलग अलग कलर की वेवलेंथ की अलग अलग, यदि ये अलग है तो ये हो जाएगा अलग हो जाएगा, और खुद ये किसके डायरेक्टली है न्यू डायरेक्टली, तो बेटा ये क्या आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा डायरेक्टली हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग वेवलेंथ का कितना हो जाएगा अलग। अच्छा उन्होंने बताओ जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है ये क्या हो जाएगा कम, कम एंगल से डेविएट होगा। लेकिन बेटा जिसकी वेवलेंथ कम है, आपने पढ़ रखा कि जो ये फॉर्मूला बेटा विद योर पढ़ रखा किसके अकॉर्डिंग है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है रेड की है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा निसार क्या हो जाएगा एंगल सबसे कम, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है वायलेट की है, वायलेट की वेवलेंथ कम है तो वेवलेंथ कम है एंगल क्या हो जाएगा ज्यादा। तो कारण है बेटा ये देखिए एक बार जान से सी दीजिए पे एक बार सी दीजिए पहले कलर ये बड़ा एक बार रिफ्रैक्शन ये कितने कलर आओगे बेटा ये सात कितने आओगे सात आओ दो चार दो छह सात। लेकिन हम ये ऐसे नहीं दिखाते क्योंकि एक बार ये होगी रिफ्रैक्शन दोबारा फिर भी तो होगी क्योंकि एयर टू डेंसर दोबारा डेंसर टू एयर दोबारा फिर रिफ्रैक्शन अब देखो सबसे ज्यादा एंगल लो ये नहीं बेटा इससे कम इसका सबसे कम ये देखो सबसे कम जो है ना बेटा सबसे ज्यादा एंगल इसका है ये सबसे ज्यादा इसका बेटा ये वाला कलर तो एंगल सबसे ज्यादा किसका पावर होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ कम किसकी है वायलेट की है तो सबसे निचला कलर कौन सा पावेगा वायलेट, सबसे ऊपरला कलर कौन सा पावेगा पैटर्न दैट इज द फिनोमेना ऑफ सप्लिटिंग बटना बेटा किसका बटना एक व्हाइट बीम का जब किसी ने पास करा उसने एक प्रिज्म में से पास करे दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली में क्या कारण है डिस्पर्शन का चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद चेंज इन वेवलेंथ, ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज होना बेटा वेवलेंथ के साथ ये फॉर्मूला ये किसने था तो सबसे पहले बेटा ये फर्चिस क्या बताया था किसी मेटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमाल की बात है बेटा किसी मेटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए ग्लास है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 3.3/2 है ना 1.5 है लेकिन अलग अलग कलर खाता क्या जगह अलग अलग कौन देखता है फर्चिस देखता है कि भाई किसी मेटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट विल बी डिपेंड किसके ऊपर वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है यदि वेवलेंथ चेंज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज आज भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा डायरेक्ट क्यों देगा चेंज डायरेक्ट क्या है चलो डेविएशन दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्लियर है डिस्पर्शन ऑफ लाइट बेटा ठीक है तो ये किसने बताया था कोचिस ने ये क्लियर है ना कोचिस ने बताया था तो दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट और कमाल की बात तो ये है कि वायलेट कहां होगा नीचे रेड कहां होगा ऊपर कोई पूछे वाई क्योंकि वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा है उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम दैट्स वाई एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड देखा एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए फॉर वायलेट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड आगे ना तो इन कलर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा बताना मुझे जो बाय के कलर होंगे लास्ट आ रहे फर्स्ट और लास्ट क्या बोलते हो एक्सट्रीम क्या बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम तो अगला जो टॉपिक है बेटा अगला जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बाद जो अगला टॉपिक है वो है डिस्पर्सिव एंगुलर डिस्पर्शन क्या बेटा एंगुलर डिस्पर्शन देखो सेकंड जो टॉपिक है इसी में काम लग गया मैं इसी के अंदर आ जाएगा दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन देखो बेटा एंगुलर डिस्पर्शन सिंपल सर एंगुल भाई ये कहता है एंगुलर डिस्पर्शन क्या है डिफरेंस है बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर टू एक्सट्रीम कलर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर टू एक्सट्रीम कौन कौन से है यहां वायलेट और रेड इसका मतलब है ज्यादा कौन है बेटा एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा है वायलेट का ज्यादा है तो क्या होगा डेल वी माइनस डेल आर दैट इज कॉल्ड एंगुलर क्या लिखोगे क्या बेटा
क्या लिख दोगे? द डिफरेंस, अपने आप दिखाई दे बेटा, डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डायरेक्शन फॉर वायलेट एंड एंगल ऑफ डायरेक्शन फॉर रेड, वही जरूरी नहीं है ये पाएगा। थर्ड का कोई भी दो कलर देता है, दोनों का एंगल ऑफ डायरेक्शन क्यों होना चाहिए अलग अलग, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है बेटा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है बेटा? द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म, कोई भी प्रिज्म प्रोड्यूस करेगा किसके बराबर है? इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डायरेक्शन फॉर टू एक्सट्रीम कलर, फॉर टू एक्सट्रीम कलर, यह आ जाएगा एंगल ऑफ डायरेक्शन। एंड ऑन व्हाट फैक्टर इट विल डिपेंड, भाई एंगुलर डिस्पर्शन किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा बताना। देखिए बेटा एंगुलर डिस्पर्शन किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो एक मिनट देखो बच्चों, एंगुलर डिस्पर्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? डेल, आपने इस प्रिज्म के लिए डेल पर रखा है, क्या होगा बेटा? डेल बराबर है म्यू माइनस वन इंटू ए, ठीक है? किसके लिए क्या होगा बेटा? वायलेट के लिए करना बेटा, डेल वी बराबर है म्यू वी माइनस वन, ये दोनों का दूर रहेगा, ये तो भैया एंगल ऑफ प्रिज्म है तो वैसे कैसा रहेगा। दूसरा बेटा रहेगा यहां पर डेल आर बराबर बेटा म्यू आर माइनस वन इंटू ए, एंगुलर डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या थी? डेल वी में से डेल आर घटा दीजिए बेटा, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो डेल वी माइनस डेल आर बराबर बेटा, इसमें से कॉमन क्या है आपका? ए कॉमन है, पर तो ए ले लो बेटा कॉमन, तो इसमें से इसको घटा दीजिए म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस वन, तो ये बेटा कैंसल, तो आपका डेल वी माइनस डेल आर बराबर आ गया बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो यू आ गया बेटा। तो एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस बाय द मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म या प्रिज्म के द्वारा जो एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस होता है वो किस चीज को डिपेंड करता है? दिखाई दे रहा म्यू और ए, दो के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो म्यू है और एक ए है, तो ये जो है डिपेंड करता है नंबर एक नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ द प्रिज्म, दूसरा डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटीरियल, क्योंकि म्यू नेचर ऑफ मेटीरियल है और ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। ओके क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हाँ यहां पर एक टॉपिक क्या था बच्चों बीच में, क्या टॉपिक है वो है आपका कि भाई यदि आप एक प्रिज्म में आप व्हाइट लाइट पास कर रहे हो तो अभी आपको पता लग गया वो सेवन कलर में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है भाई सेवन कलर में डिवाइड हो जाएगी, तो लेकिन लेकिन एक और प्रिज्म यहां ना एक प्रिज्म ने क्या कर दिया व्हाइट को सेवन में डिवाइड कर दिया, आप एक प्रिज्म उल्टा रख दो बेटा यहां एक प्रिज्म उल्टा रख दो उल्टा करके, तो है ना आपने बाहर व्हाइट आओगे कौन सा होगा व्हाइट कौन सा होगा बेटा व्हाइट, यू क्या करेगा इनका कॉम्बिनेशन क्या करेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि सात को मिलाने से क्या बनेगा व्हाइट बनेगा, एक ने क्या करे व्हाइट को किसने बात कर दिया सात कलर में डिवाइड कर दिया, सेकंड ने क्या करा उन सात को एक में डिवाइड कर दिया, ये भी याद रखना ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है बेटा इसमें वो है आपका डिस्पर्सिव पावर, क्या बेटा डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन के बाद बेटा आपका डिस्पर्सिव पावर है कि जो डिस्पर्सिव पावर है क्या होती है, देखिए बेटा डिस्पर्सिव पावर ये है ना जो डिस्पर्सिव पावर है दैट विल रिप्रेजेंट बाय ओमेगा या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इसको हम, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, डिस्पर्सिव पावर दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ डायरेक्शन, सॉरी ये था क्या वायलेट का ये रेड का, इसको कह दो आप एंगुलर डिस्पर्शन बट एम मीन डायरेक्शन, क्या बेटा ये ऊपर क्या है एंगुलर डिस्पर्शन, क्या बेटा एंगुलर डिस्पर्शन, नीचे क्या बेटा मीन डायरेक्शन, क्या बेटा यो मीन डायरेक्शन, यो मीन डायरेक्शन है,
तो डेफिनेशन आराम से बन जाएगी। इट इज डिफाइंड एज अ रेशो, रेशो है ना, किस किस का रेशो है बेटा, ये अनुपात किस किस का है, एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म टू द मीन डेविएशन, सिंपल डेफिनेशन बन जाएगी। ओके, अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे करोगे, देखिए बेटा एंगुलर डिस्पर्शन अभी किया आपने, क्या था डेल वी माइनस डेल आर बाय डेल, चलो भाई डेल वी क्या था, डेल वी माइनस डेल आर क्या था आपका न्यू वी माइनस न्यू आर इनटू में क्या है बेटा ए बाय व्हाट इज डेल, डेल हमें पता ही है डेल बराबर क्या होगा न्यू माइनस वन इनटू ए होता है बेटा, ये होता है तो यहां पुट कर दीजिए म्यू माइनस वन इंटू ए, सो ए से कैंसल, सो ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर आया बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस वन, दैट इज द डिस्पर्सिव पावर। सो डिस्पर्सिव पावर केवल और केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटीरियल ओनली, ए तो है इंग्लिश में, जब ए नहीं है तो बेटा सिर्फ डिपेंड करेगी किसके ऊपर, या नेचर ऑफ मेटीरियल, दैट इज द डिस्पर्सिव पावर। लेकिन न्यूमेरिकल में क्या होता है, सुनो बेटा ये कोई मैंने क्या बोला था, वायलेट और रेड की बजाय दो कलर दे देना चाहता है, कुछ भी दो कलर दे दो, कुछ भी दो कलर दे दो, वायलेट और रेड ना छोड़ दो, मैं कहता हूं कि भाई आपने ना डिस्पर्सिव पावर कार्ड नहीं है और एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया बेटा मैंने आपको एक कलर का, जैसे कि मैं आपको एक ब्लू कलर दे देता हूं, एक जो है आपको इंडिगो या कुछ भी दूसरा कलर जैसे ब्लू कलर का दे दिया बेटा मैंने, तो जो ब्लू कलर है वो है 1.46 और डेल जो है दूसरा कलर जो है बेटा येलो, येलो ले लिया बेटा मैं येलो कलर, येलो कलर के लिए बेटा 1.26 ये दे दिया मैंने, पूछ लिया ना मेडिकल में मैं तो दो कलर दिए, कोई जरूरी नहीं है कि वायलेट और रेड होगा, नो क्या होगा बेटा कुछ भी दो कलर, दो कलर तो क्या लिया हमने, ब्लू ले लिया रे, येलो ले लिया, तो किसका ज्यादा है ब्लू का ज्यादा है, तो क्या करोगे डिस्पर्सिव, आपने क्या करना डिस्पर्सिव पावर का निकल बेटा, कैसे निकले डिस्पर्सिव पावर का ना, ओमेगा बराबर क्या आएगा पहले डेल बी में से डेल वायलेट का घटा दिया बेटा नीचे डेल, चलो ये तो तुम्हें पता लग गया जो थर्मा है, ये दो चीज तो है थर्मा ये ऊपर लगा है, लेकिन इसका नाम क्या बताया तुमने मीन, मीन का मतलब क्यों है, मीन का मतलब बेटा दोनों नाम जोड़ दो बेटे दो समझ गए, देखो ये तो आपके पास है लेकिन डेल तो है नहीं भाई, लेकिन डेल का नाम क्यों बेटा मीन, तो मीन का मतलब क्या बेटा इन दोनों जोड़ दे यू कैन से डेल बी पास Then y बटे में दो करोगे तो बेटा यहां पर इतना जाना चल जाओगे तो बस ये हो गया न्यूमेरिकल से निकल से कर दो आगे समझ रहे ऐसे ही हुआ बेटा यू रहा आपको क्या दे देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा एक कलर का और दूसरे कलर का आपको क्या नहीं देगा म्यू नहीं देगा म्यू का मतलब क्या है मीन क्या बेटा मीन है मान लो यू एक कलर दे दूसरा कलर दो कलर का दे दिया आप इसका वैल्यू तो घटाने वाले वैल्यू तो निकालोगे लेकिन बेटा ये कौन कट देगा ये कैसे निकलेगा उन दोनों को जोड़ के बाय टू मीन आ जाएगा क्लियर है कर लोगे ना न्यूमेरिकल पोर्शन भी हो जाएगा तो